आपका नाम क्या है? हमारा नाम घनश्याम सिंह है। कहाँ रहते हैं? हम यहाँ बिरदोपुर में बनारस में रहते हैं और मूल रहने वाले बनारस जिले के हैं, कपसेठी के। हमारे गांव में भी कई मौत हुई है कोरोना से, और उसमें जो है जवान आदमी चले गए हैं, 36 साल 34 साल के लड़के लोग, यंग मैन। और बनारस की स्थिति तो ये है, जैसे कचहरी में 15 दिन के अंदर 26 वकीलों की मौत हुई है। ये इसका पेपर में भी कल के निकला हुआ है दैनिक जागरण में, बनारस सेंट्रल बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद पांडे और सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं इस समय अशोक उपाध्याय, कल जो है परसों जिला जज को जो है एक ज्ञापन सौंपे जिसमें 26 वकीलों का नाम पता सहित उन्होंने वहाँ पर दिया। दीवानी कचहरी बंद करने का, कचहरी बंद करने का उन्होंने आग्रह किया, तो कल से जो है दीवानी बंद हो गई है। ये 3 मई को फिर खुलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कचहरी न खुले, इसलिए कि कचहरी ही सबसे बड़ा अड्डा जो है बनारस में कोरोना का सेंटर है। कोई वहाँ जो है सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह कोई पालन कचहरी में होता नहीं है। और हाँ, ये सब्जी मंडी यहाँ का चनुआ जो है सट्टी जो है सिगरा पर है, वहाँ पर तो कोई मास्क लगभग हम समझ रहे हैं कि 70% खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों नहीं मास्क लगा रहे हैं। और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था बनारस में नहीं है सही, क्योंकि लोग जो है अपना ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे मोहल्ले में हम देखते हैं, रोड पर हमारा घर है, ऑटो में बाइक पर पीछे बैठ करके सिलेंडर लोग ले जा रहे हैं, अपना जो है ब्लैक में खरीदते होंगे। आप कुछ अपने मोहल्ले के बारे में बता रहे थे, कुछ चिंता? हाँ, मोहल्ले के बारे में, हमारे मोहल्ले में जो है 11 तारीख को एक आदमी मरा कोरोना से, उसके बाद जो है आज 29 है 27 तारीख तक जो है हमारे जानकारी में 12 लोग मरे हमारे जानकारी में, जिसमें जो है हमारे एक पटदार हमसे 8-10 मकान आगे रहते हैं, उनकी उम्र 57 साल थी, वो भी मरे हैं। गए कभी BHU में, बेड ऑक्सीजन नहीं मिला। कौड़िया अस्पताल रामकृष्ण मिशन में आए, वहाँ भी बेड ऑक्सीजन नहीं। ये बात है 19 अप्रैल की। और फिर कबीर चौरा में गए तो बेड ऑक्सीजन मिला, उनका ऑक्सीजन 50 था, ऑक्सीजन लगने के बाद 70 पहुंचा, लेकिन जो है 1 घंटे के बाद वो एक्सपायर कर गए, उम्र थी 57 साल। और उसके बाद जो है कल हमसे जो है पता चला कि एक श्री राम अपार्टमेंट है ये बिरदोपुर में, एक है कृष्णा अपार्टमेंट, उसमें 14 लोग मरे हैं। एक अपार्टमेंट के भी? दो अपार्टमेंट में, दो कृष्णा दो अपार्टमेंट। हाँ, 200 परिवार कृष्णा में रहता है, वही 60-70 परिवार जो है इसमें श्री राम अपार्टमेंट में। हाँ, इतने मरे, एक दुकानदार, ये बाडी। हाँ, ये सुनी सुनाई, लेकिन मोहल्ले वाली बात ये देखी बात है, ये तो देखी बात है। डेड बॉडी मिले, हम कई लोगों से वहाँ गए आए, तो मतलब वही हाल था कोरोना से। अब इसी में किसी का लिपापोती हो रहा है कि जो है शुगर बढ़ गया तो हार्ट अटैक हो गया तो किडनी फेल हो गया, लेकिन मरे हैं लोग कोरोना से। क्या सा सरकार के कामकाज से को कैसे देखते हैं? इधर जब से मतलब मोदी जी सक्रिय हुए थे BHU में, जो है वहाँ के जो है सुपरिटेंडेंट से में ये सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के कमिश्नर भी थे उसमें बनारस के, अग्रवाल जी, और ये कौशललाल शर्मा DM भी थे। सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बड़ी नाराज़गी जताई थी आज से 5 दिन पहले कि बनारस की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ व्यवस्था ये लोग कहें कि नहीं बड़ी व्यवस्था, हम लोग कहें हमको सब मालूम है कि एक चीज़ बनारस की मालूम है, कोई वहाँ व्यवस्था नहीं हो रहा है, इसकी खबर हम लेंगे। तब जा करके प्रशासन यहाँ सक्रिय हुआ है। इस समय कुछ सैनिटाइजेशन तो पर्सल इतना हुआ गली गली, इस बार आज हम रास्ते में आ रहे थे तो केवल ये कीनाराम स्थल के पास क्रीम कुंड के पास जो एक मकान पर सैनिटाइजेशन हो रहा था, लेकिन कहीं गली मोहल्ले में सैनिटाइजेशन भी नहीं हो रहा। 5 करोड़ रुपया जो है नगर निगम को अलाट हुआ था सैनिटाइजेशन के लिए, सभासद भी विरोध कर रहे हैं कि उस जो है पिछले साल के सैनिटाइजेशन का फोटो नगर निगम के आयुक्त गौरांग राठी हैं, वो जो है पिछले साल का फोटो जो है ये वायरल कर रहे हैं। अच्छा, इस साल का बताकर? हाँ, इस साल का बताकर के इसके सभासद भी विरोध, हल्ला हुआ था यूट्यूब पे भी हुआ, उसके बाद जो है कि पेपर में भी निकाल दिया गया दैनिक जागरण में कि ये पिछले साल की तस्वीर को वायरल किया गया है। प्रशासन देखिए, एम्बुलेंस के मामले में, सौ वाहिनी के मामले में, ऑक्सीजन के मामले में थोड़ा सक्रिय हुआ है, लेकिन अभी सैनिटाइजेशन जिस स्तर का होना चाहिए
जहाँ कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं या कोरोना की वजह से डेथ हो रही है, जो बैरिकेडिंग होनी चाहिए, कंटेनमेंट जोन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। कई कोरोना इन्फेक्टेड लोग घूम रहे हैं और जो है इन्फेक्शन फैला रहे हैं। हम लोग परसों गए थे, परसों या कल गए थे हम, BHU का जो अस्पताल है बड़ा वाला, जो अच्छी वाली बिल्डिंग है, वहाँ पे गए थे, जो कोविड वाला पूरा डिपार्टमेंट वो है। वहाँ पे हमको लोगों ने बताया जो बाहर थे कि बहुत ज़्यादा जूते घिसने पड़ते हैं, बिना अप्रोच के तो दाखिला मिलता नहीं। खैर वहाँ BHU में तो ये बात आज से नहीं, नॉर्मल स्टेज में भी यही होता था कि जिसका अप्रोच है उसी को वहाँ सुविधा मिलती थी, उसी का इलाज नहीं। बाकी जो है डॉक्टर वहाँ के BHU के, अगर हॉस्पिटल OPD तो सही चलता है, लेकिन भर्ती वाले में मच्छर की तरह मरने के लिए छोड़ देते हैं, कोई उसके ऊपर ध्यान ही नहीं। इस समय तो हमारे मोहल्ले के गुप्ता जी थे, उनकी माता जी मरी हैं अभी, उनका करीब 12वां दिन है आज, हाँ 12वां दिन। तो वो बता रहे थे कि 4 दिन अपने माता जी को लेकर के उसी BHU जो हॉस्पिटल कोविड वाला बना है उसमें बता रहे थे कि भाई साहब मैं क्या बताऊँ, लाशों के ढेर के बीच में हमको माता जी को 4 दिन लेकर रहना पड़ा, और मैं कैसे रहा इसका वर्णन मुझसे कहा नहीं जा रहा। लाशों के ढेर के बीच में जिंदा आदमी, हाँ जिंदा आदमी कह रहे थे कि लाश कोरोना की जो है पटी थी, अब उसमें हम माता जी को क्या करें, इलाज कराना था, वेंटिलेटर नहीं मिला, माता जी मर गई, उनका ऑक्सीजन जो है हो गया था 70। तो डॉक्टर बोले कि जो है, वो डॉक्टर बता भी नहीं रहे थे, कह रहे हैं हम पूछें बार बार, तो कहें नहीं 90 चल रहा, तो फिर स्थिति सुधार में आ जाएगी। उसके बाद जो है डॉक्टर जो है जब कहे आए, कुछ देर बाद निकले ICU से, तो कह रहे हैं कि नहीं उनका जो है ऑक्सीजन लेवल तो जो है 70 है, अब वेंटिलेटर पर डालना होगा। तो कहे डाल दीजिए, तो कहे वेंटिलेटर है नहीं, उसी के 10 मिनट बाद उनकी माता जी एक्सपायर। डॉक्टर ने कहा वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर इस समय तो उपलब्ध नहीं है, और बिना वेंटिलेटर पर डाले नहीं होगा, मतलब कहीं और ले जाइए। अब और ले जाइए में स्थिति यह है कि 3-3 लाश बंद किए हुए हैं पांडेपुर में ना, 3 लाख रुपया मांग रहे हैं। पांडेपुर में एक हॉस्पिटल है, कोरोना का पेशेंट मर गया है, सरकार कह रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो कोविड हॉस्पिटल है वो भी इलाज करें, उसका सारा खर्चा नहीं है। लेकिन वहाँ डेड बॉडी उसकी आज भी बंद है, DM हस्तक्षेप किए तो इस समय निकली और नहीं कर सकते, 3 लाख रुपया हमारा इलाज का लाओ, हमसे सरकार से कोई मतलब नहीं है। पेमेंट के लिए 3 लाख रुपया मांग रहे हैं, उसके बिना लाश नहीं दे। हाँ, पांडेपुर में, पांडेपुर क्या नाम है हॉस्पिटल का, नाम तो नहीं हॉस्पिटल का नाम, लेकिन पांडेपुर में कोई बात नहीं हम पता लगा। यहाँ एक मेडविन हॉस्पिटल है, बड़ी खराब स्थिति उसकी, मैदागिन पर, आप नोट कर लीजिए, मैदागिन पर वो अनाप शनाप पैसा मांग रहा है, लूट रहा है सबको मेडविन, और मतलब वहाँ तो मतलब जो है मरीज 3 लाख रुपया जमा करिए तब आपके मरीज का इलाज होगा, मरेगा जिएगा हमसे कोई मतलब नहीं, हमको पैसा चाहिए, ये स्थिति है मेडविन। हमने सुना कि जैसे हरिश्चंद्र घाट पर अब तो 4-5 जगह कोविड जो मृतक हैं उनके दाह संस्कार के लिए 4-5 जगहों पर व्यवस्था कर दी गई है, एक तो हमको तो 3-4 जगहों पर, 4-5 एक सामने घाट में, नहीं नहीं दो जगह जो एक्स्ट्रा बना है, एक सामने घाट के पास बना है विश्व सुंदरी पुल के नीचे, और इधर रामेश्वर साइड में बना है। अच्छा, और एक रामपुर रामनगर घाट की तरफ भी बताया। हाँ, तो रामनगर घाट में इधर 1-2 दिन में बना होगा। तो हमको लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पहले तक जब से वही रामनगर वही विश्व सुंदरी वाला ही है, पूरा नाम ठीक से याद नहीं, पर लोग 3-4 कम जगह तो कम से कम बता रहे थे। तो उसकी हाल ये थी, अभी यहीं पर एक आदमी बात कर रहे थे, यहाँ के लोकल निवासी, कहाँ गए ले? अच्छा गए तो बता रहे थे कि 4-5 महीने में रामनगर विश्व सुंदरी पुल व सामने जो दिखाई दे रहा है वही है, उसके नीचे जो है 4-5 महीने में 1 लाश डेड बॉडी जलती थी, इस समय शाम को आप आएंगी तो बता रहे थे कि जो है 5-6 डेली जल रहा हैं। मर यहाँ पर ये हम गए थे, हमारे परिवार के मरे थे मनकनिका घाट पर 20 अप्रैल की बात मैं बता रहा हूँ, 7 घंटे का वेटिंग था, 7 घंटे का वेटिंग था, हम तो 1 घंटा रहे, हम लोग तो छूने छाने वाले रहे नहीं, पटदार में थे वो अपना लोग किए, 4 लोगों को कैसे कंधा मिला, यहाँ कंधा भी नहीं मिल रहा है, कंधा भी नहीं मिल रहा है लाश को कोरोना वाले को, ये डोम को जो है ठीका लोग डोम राज जो है यहाँ के, हाँ डोम ठीका ले लेता, पूरा डोम जो है कि अपना काम करावा था।
अरे जितना भी ले ले, लाख भी ले ले, 30 भी, एम्बुलेंस से शव आता है और उसके बाद जो डोम राजा है वो लोग वो कर लेते हैं सेटिंग। कितना पैसा? सीढ़ी के ऊपर उतार दे रहा है, उसी में जो है कि डोम अपना ठीका ले ले रहे हैं उनके परिवार से। अब उसी से जो है कि अब लेबर जो मकान का काम करते हैं वो लेबर जो है कि 1000-1500 में उल्लास को ले जाएंगे, चिता पर रखेंगे, रखने के बाद जो है कि अपना वापस चले आएंगे, डोम से पैसा लेंगे, चल देंगे। अरे सुनने में ऐसा भी आ रहा है ना कि अभी हरिचंद घाट पर मतलब 3-4 दिन पहले तक जो भी कोरोना से मर रहे थे, एम्बुलेंस उतर रहे थे, कंधा देने वाला कोई था नहीं, बॉडी के साथ एक बंदा है सिर्फ, तो मतलब लोग 4,000-5,000 रुपये में चलो भैया हम लोग कंधा लगा देंगे और हम लोग जो है चिता पे लेटा भी देंगे, 4-5,000 रुपये में ठीका ले रहे थे लाश जलवाने के लिए। अब इधर 3-4 दिन में क्या स्थिति है नहीं बता सकते। ये आप समझिए, देखिए हम लोग खाटी भाजपाई हैं, खाटी जनसंघ के जमाने से हमारे पिताजी उसमें मेंबर थे, लेकिन इधर 2 दिन से कुछ गुस्सा कम हुआ है भाजपा सरकार के प्रति। नहीं, 2 दिन पहले यही हमारे बच्चे हैं 3 ठो, हमने कहा कि इस बार किसी कीमत पर भाजपा को वोट नहीं देना होगा, इतनी दुर्दशा बनारस की जनता की हो रही है और प्रशासन जाग नहीं रहा है। और शासन को तो नियंत्रण, शासन किस लिए बैठा हुआ, प्रशासन पर नियंत्रण के लिए ना, लेकिन प्रशासन एकदम 2 दिन पहले लूंज फूंज जैसे छोड़ दिया गया था हम लोगों को, मर रहा है सर, मरने दो इन सबों को, हमसे कोई मतलब। लेकिन हाई कोर्ट के फटकार के बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है कुछ एक्शन में आई है, और उसके पहले कुछ मोदी जी के फटकार के बाद यहाँ के प्रशासन वाले एक्शन में आए थे, और उसके पहले तो बड़ी वही जो मीटिंग हुई थी जिसमें नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल सब लोग थे, उसी में जो झटकार है उसके बाद सक्रिय। नीलकंठ तिवारी यहाँ बनारस के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, और रविंद्र जायसवाल भी विधायक हैं, मंत्री हैं, भाजपा के दोनों लोग हैं। इनको मोदी जी ने सीधे डांटा था नीलकंठ तिवारी को कि मुझे सब मालूम है बनारस की स्थिति, और आप लीपापोती मत करिए, और कायदे से जो संसाधन है उसको डेवलप करने की कोशिश करिए, मरीजों के जो कोविड इफेक्टेड हैं उनका जान बचाने की कोशिश करिए, तब ये लोग सक्रिय हुए। एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर और यहाँ से वो सांसद हैं उसके तौर पर अधिकारियों से मंत्रियों से बात की, मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात की? क्योंकि मुख्यमंत्री तो डिनाई करते रहते हैं, मुख्यमंत्री अभी तक ये स्वीकार तक नहीं कर पाए हैं, वो धमक मतलब इस तरीके की भाषा है यूपी सरकार की कि अगर आप रिपोर्टिंग करें, अगर आप सही चीज़ें बताएं कि ग्राउंड की स्थिति ये है, तो सरकार को पता चलना चाहिए कि अच्छा फीडबैक है ये, ऐसा मीडिया दे रही है या कोई दे रहा है, तो आप उसको स्वीकार कीजिए और फीडबैक पे काम करिए तत्परता से कि अच्छा ठीक है यहाँ कमी है, यहाँ काम करते हैं, यहाँ हमें कमी छूट गई है, हम यहाँ पर एक्टिव होते हैं, पर वो तो डिनाई करते जा रहे हैं, वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कह दिया गया कि कोई कहेगा कि किसी चीज की दिक्कत है उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, तो ये क्या है? अब जैसे हाई कोर्ट से कल यहाँ के शासन को फटकार लगा, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, किसने कहा तो हम पूरा नहीं, हाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के, कि जो है आप जो है केवल अपनी बात को ही रखते हैं, दूसरे किसी की सुनते नहीं, ये जिद आप छोड़ दीजिए, ये जिद आप छोड़ दीजिए, दूसरे की भी सुनने की क्षमता आप रखिए, कि आप मतलब जो है ये कितना सरासर गलत बात। प्रियंका गांधी तो बोली थी कि मतलब सबसे पहले अगर सच बोलना अपराध है तो हमारी संपत्ति जब्त करिए आप, हैं तो अभी तो कोई बात हुई नहीं कि सब मीडिया अगर सत्य दिखलावे, कोई पब्लिक सत्य बोले तो उसकी आप संपत्ति जब्त करिए, जो वास्तविकता है रियलिटी है उसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, नहीं जनता जो है चुनाव में तो उसका अपना हिसाब किताब करें। महाराज जी भी सक्रिय हुए हैं, बराबर रिपोर्टिंग दे रहे हैं, बस इधर इसके पहले नहीं सक्रिय। ये बताइए कि कई लोगों ने हमको बताया कि हरिश्चंद्र घाट पर कुछ दिनों पहले तक 12-12 जहाँ पे कोविड उनको जलाने की व्यवस्था है, दाह संस्कार की, वहाँ 12-12 कोविड का छूट मणिकर्णिका पर भी है, और यहाँ मणिकर्णिका पर भी, हाँ वहाँ लकड़ी से जलाए जाते हैं खाली, यहाँ पर मशीन खराब हो गई थी, हरिश्चंद्र पे तो हम गए थे तो वहाँ पे लकड़ी से जला रहे, हाँ तो एक मशीन जो है गल गई थी, दूसरी मशीन आज रात में बनी है, इस समय काम कर रहा है, हरिश्चंद्र घाट वही आगे है, आज रात में वो भी बन गई, काम कर रहा, लेकिन जो है खर्चा डबल ट्रिपल हो गया। अब जो
मतलब 8,000 रुपये में लकड़ी लेकर के, सब सामान लेकर के और घाट का डोम का खर्चा लेकर के जो चिताएं जलती थीं वो चिताएं इस समय 20-20 हज़ार 24-24 हज़ार में जा रहा है। नान कोविड का भी, कोविड का सुन लिए तो लाख लाख रुपया मांग रहे हैं। दाह संस्कार, हाँ दाह संस्कार का भैया 1,00,000 रुपये हमको ठिका दीजिए, आप आपको छूना नहीं पड़ेगा, सारा काम उसके पास नहीं है, वो कहाँ से देंगे, कहाँ से लाश लोग छोड़ के भाग जा रहे हैं, क्या करेंगे, जान देंगे आपकी लाश कहाँ से देंगे। लाश सर जब हम लोग गए जाते हैं, जब कोई भी जा रहा है और लाश जो है आप कर रहे हैं कि इतना हमको दीजिए, तो लाश गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा, पैसा मजबूरी तो सबके पास तो उतना पैसा है नहीं, इसलिए लाचारी होकर भाग जा रहा है। तो 1-1 लाख तक आप लोग मतलब स्थानीय निवासी तो दे दे रहे हैं कि भाई हम मतलब इतने हमारे परिवार के रहे, माँ बाप रहे, चाहे पत्नी रहे, चाहे पति रहे, चाहे लड़का रहा, वो तो दे दे रहे हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है वो लाश ही छोड़ के धीरे से अपना घसक जा रहा है। बाद में लोग बताने वाले, हम तो आँख से नहीं देखे, प्रवाहित करते हुए लोग बताने के बाद में जो है डोम जो है गंगा जी में, कई हमको कानपुर वगैरह में भी लोगों ने बताया कि नदी में बहा देते हैं ऐसे ऐसे। अरे यहाँ बनारस आसपास गांवों में भी मऊ गाजीपुर में कई जगह सुनने में आ रहा है कि हिंदू लोगों को दफना दिया जा रहा है, जैसे परिवार में अकेली औरत है, छोटे छोटे बच्चे, कोई साथ दे नहीं रहा, पैसा है नहीं, जेसीबी से गड्ढा खनवा के ले जाके उसी में दफन कर दे रहे हैं। ये बहुत बेकार स्थिति चल रही है इस समय कोरोना की वजह से, मतलब जो होता है अंतिम संस्कार ढंग से वो नहीं हो पा रहा है, जो करना चाह रहे हैं वो इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं मतलब। और ये बात सही है क्या कि हरिश्चंद्र घाट पर कुछ दिनों पहले तक 12-12 घंटे की वेटिंग थी, वो इससे ज़्यादा नहीं आते थे। हरिश्चंद्र घाट जो है होता ये था कि जो BHU बहुत बड़ा हॉस्पिटल है पूर्वांचल का, एम्स है, वो जब चिमनी बंद हो गई थी ना तो 12 घंटे की वेटिंग चल रही थी, चिमनी गल गई थी, इतने ज्यादा शव आ रहे थे, मन नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, 5-6 घंटा 8 घंटा वेटिंग लग रहा है, 5-6 घंटा 8 घंटा अभी भी लग रहा है। गंगा हरिश्चंद्र घाट पर वेटिंग है, ये तो हम मनकनका की अपने आँख से, हाँ हम देख के आए थे, 7 घंटे की वेटिंग थी, हम 1 घंटा रहे केवल, ऊपर ऊपर ही थे हम, और उसके बाद लड़के से यही कहाँ गए सुबह हम, अच्छा नहीं अच्छा, तो हमको बाइक स्टार्ट करो अब चलो यहाँ हमसे नहीं रहा जा रहा, जिधर देखिए वही कोरोना का मरा हुआ, रोना पीटना वही, किसी का जवान लड़का मर गया, तो हम अपने जिनके घर में मौत हुई थी तो उनसे दूसरे दिन हम फ़ोन से बात किए तो बताए गए कि जिस समय हम लोग डेड बॉडी जला रहे थे उस समय 7 लाशें जल रही थी, जिसमें 50 से ऊपर के जो उनके घर के थे वो और एक महिला का, और बाकी का 5 डेड बॉडी जो है 20-30 बरस के लड़कों का था, यंग का। और यहाँ पर स्थिति प्रशासन को, जैसे सब सागर मंडी है दवा की बनारस की, पूरा पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा की मार्केट है वहाँ, लेकिन वहाँ पर इतनी कालाबाजारी है, इतनी काला, ऑक्सीमीटर हम खुद खोज रहे हैं, जो ऑक्सीमीटर हमको 800 रुपये मिल जाता इस समय 2,2200 रुपया ना, वो हर दुकान पर है नहीं, 10 में से 1 दुकानदार के पास है तो कह रहा है कि भाई जितना देना हो तो दो, नहीं तो चलो रास्ता ना, तो हम खुद जाके ले पा रहे हैं, ऑक्सीमीटर में बेच रहे हैं सब, 200 वाला वेपोराइजर भाप लेने के लिए 400 में बेच रहे हैं, वेपोराइजर नहीं मिल रहा है, विक्स नहीं, हम कई दुकानों से लौटेगा, विक्स तक की कमी हो गई है, क्योंकि ये हुआ था कि विक्स डाल के लोग स्टीम लेते हैं, कई दुकानों पर आपको वो 600 mg वो पैरासीटामोल तक नहीं मिल रहा है, 650 mg, 650 mg विटामिन सी की जो गोली प्रेस्क्राइब की गई है डॉक्टरों द्वारा, हाँ लिम्सी वो नहीं मिल रही है, बहुत मुश्किल से तो हम लोग ढूंढ के लाए परसों। हमको प्रशासन जैसे एक चीज पर बड़ा मुस्तैद दिखता है कि ये जो 8 बजे से लॉकडाउन होता है नाइट वाला, उसमें दुकानों के शटर गिराने में पुलिस की गाड़ी घूम घूम के गिराती है, 7:30 बजे, लेकिन फिर हम वही देखते हैं, हम देख रहे थे शहर में कि दुकानों का शटर गिरवा दिया, लोग थोड़ा सा खोल के या पीछे से करके बेच रहे हैं, ऊपर से मतलब दुकान का शटर गिरा दिया, लेकिन एक दूध मंडी है उधर बड़ी गुदलिया के पास, एक दूध मंडी है मतलब गुदलिया, उसमें एकदम चीटी की तरह एकदम खसाखस भीड़ था और पुलिस का गाड़ी वहीं पे था, लेकिन चूंकि वो लोग दुकान में नहीं गली में खड़े होकर व्यापार कर रहे थे तो उनको कोई नहीं रोका था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई सोशल, चाहे सब्जी मार्केट में चले जाइए आप, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं, कल पेपर में भी निकला था कि जनता तो जनता जो है सब्जी खरीद के ला रही है मुफ्त में, कोरोना भी खरीद के घर ले आ रही है बिना खरीदे, और आप देखिए वहाँ लोग बैठे हुए हैं, क्या मास्क लगाए हुए हैं,
नहीं, यही सब बात है ना, पब्लिक खुद भी नहीं अलर्ट हो रही है। जी जी, वो उस लेवल पर भी कमी है, उस लेवल पर भी कमी है। ये बताइए कि आप कारोबार वगैरह का? कारोबार तो बहुत डाउन है, तो कारोबार में है, कपड़े के कारोबार में है, बहुत बड़ी फर्म है, तो करीब 20% कारोबार बचा है। जैसे उस फर्म में 1.5 लाख का जो है, 4 का स्टोर है बनारस में, चार जी, इनके स्टोर में 1.5 लाख से 2 लाख की बिक्री होती थी, इस समय 18,000-20,000 रुपए की हो रही है बस। जबकि इस समय लगन का मौसम चल रहा है, तभी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। दिन में तो खुली रहती है दुकान, हाँ। पर लोग नहीं आ रहे हैं, क्या लगता है कि? देखिए कुछ तो लोग जो है कि कोरोना की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और कुछ जो है परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई है, पैसे की शॉर्टेज इस समय सबके पास है। बहुत जो सरकारी नौकरी वाले हैं उन्हीं के पास मतलब इस समय दिक्कत नहीं है, तो हर आदमी जो है, कुछ तो लोग डरे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से कि अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो पूंजी रहना चाहिए, इस वजह से पैसा अभी खर्च नहीं कर रहे हैं, कम से कम में काम चला रहे हैं। कारोबार पे असर पड़ा है, पिछले बार से ज़्यादा असर अब की बार पड़ा है। पिछले बार हमको ये भी सुनाई दिया कि पिछले बार फिर भी जैसे कई जगह पर प्रशासन ने कुछ बेड वाले अस्पताल बनाए थे, तो फिर वो कुछ महीनों बाद हटा दिए गए। असल बात ये लोग निश्चिंत हो गए ना कि अब कोरोना चला गया। अच्छा, WHO विदेश वाले हमेशा जो है इनको चेतावनी देते रहे कि नहीं, सेकेंड वेव जैसे वहाँ ब्रिटेन में आया, यहाँ आ सकता है, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी कुछ किए नहीं लोग, एकदम आँख मूंद के आश्वस्त हो गए, सब भगवान भरोसे छोड़ गए। जैसे हरिद्वार में कुंभ लगा दिए, वहाँ के मुख्यमंत्री फैसला कैसा था हरिद्वार में जब कुंभ लगा था, वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे थे गंगा मैया जो है कोरोना को ले जाएंगी, किसी को कोरोना नहीं, आस्था का है, आस्था कोरोना को हरा देगा। तो देखिए दो चीज था, बंगाल चुनाव और केरल में, तो मतलब राष्ट्रपति शासन लग जाता, दोनों जगह इनकी सरकार आने वाली नहीं है, ये तय है। कांटे की लड़ाई बंगाल में जरूर है, केरल में तो कहीं आए नहीं, 6-7 सीट 5 सीट पा जाए बस यही है। लेकिन ये मतलब राष्ट्रपति शासन लगता, चुनाव हटल जाता, तो इन भाजपा के पक्ष में ये पाले में गेंद आ जाती, खुश होती कि भाई अपने हिसाब से हम अपना हमारा राज्यपाल गवर्नर चलाएगा। लेकिन कुंभ के नाते ये दबाव इलेक्शन कमीशन पर बनाया गया कि ये दोनों मतलब पांचों राज्य का चुनाव न टाला जाए, क्योंकि कुंभ भी टालना पड़ जाता। कुंभ चूंकि जो है, अब हम तो खुद ही बताएं कि हम पुराने, हमारे पिताजी मेंबर थे जनसंघ के ज़माने में, उस समय जो है दीनदयाल उपाध्याय थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके समय के हमारे पिताजी थे, पिछले साल एक्सपायर किए हैं 90 साल की उम्र में। तो हम लोग तो खाटी जनसंघ की भाजपाई लिए अपना वोट बैंक बनाने के लिए कि हमारा वोट बैंक कुंभ अगर हम बंद करते हैं, रोकते हैं, नहीं लगाने देते हैं, हमारा वोट बैंक बिगड़ जाएगा, मतलब पॉलिटिक्स के लिए और अपने राजनीतिक हितों के लिए, जनता के स्वास्थ्य से। आज हरिद्वार में कितने लोग मर रहे हैं, पिछले बार उत्तराखंड में नहीं मरते थे, पिछले कोरोना में उतने नहीं, इस बार तो काफ़ी 500-600 तादाद कितनी टीवी अब दिखाता है। एक तो वो वाली वो उस वाक्य पर कहिएगा क्या कि जब इधर प्रधानमंत्री अपील कर रहे होते थे कि दूरी बनाए रखिए, कोरोना के समुचित व्यवहार करिए, और उधर गृह मंत्री घूमते थे बिना मास्क के घूमते थे, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां उसको बुलाने पर खुशी मनाई जाती थी। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर का परसों चालान कट गया 15,000 का बिना मास्क के, लेकिन इंडिया में किसकी हिम्मत है गृह मंत्री का जो चालान काटने का, अपनी नौकरी गवाए बेचारा। अच्छा, सबसे बुरा हुआ जो पंचायती चुनाव हुआ, हम लोग तो गांव से भी बिलोंग हैं, इसी बनारस ज़िले में हमारे यहाँ चुनाव था 19 तारीख को, देखिए ये निशान लगा हुआ है, और वहाँ पर हुआ ये कि बम्बई दिल्ली कानपुर से जो जिनके अपना वोटर जिनका समझते थे, ये लोग भाड़ा दे करके मंगाए यहाँ, तो हर बार पंचायत चुनाव में होता है, जो बाहर गया रहता है उसको बुलाया जाता है। तो बॉम्बे दिल्ली दोनों जगह जो है कोविड का संक्रमण बहुत ज़्यादा है, कानपुर में भी है, ये लोग आए तो एक दिन दो दिन चार दिन कितने उनका, उसमें 80% तो वापस गए ही नहीं, यहीं रह गए कि वहाँ जाके क्या करेंगे, तो ये गांव में भी फैला रहे हैं। इससे ऊपर टीचर जो पंचायत चुनाव 135 उनको उनके बारे में खबर आई है, तो हर लेवल
पर देखिए कि मतलब जहाँ जहाँ टाला जा सकता था जुटान को फैलने को उसको नहीं टाला। इनको चुनाव नहीं कराना चाहिए था। चुनाव ये सोच रहे हैं कि प्रधान जो है हमको, हमारे प्रधान हो जाएंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख तो हमको 22 का चुनाव जिता देंगे। अगर ऐसा होता तो 16 में अखिलेश यादव यहाँ मुख्यमंत्री थे, उनके राज्य में भी तो पंचायती चुनाव यहाँ हुआ था 16 में, तो उनको भी जिता देते 17 वाले में, लेकिन नहीं ना जीत पाए। तो ये दिमाग में इनके कि हम अपने आदमी सेट कर देंगे, प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत तक, तो हम 22 का चुनाव जीत जाएंगे। जैसा होने वाला मतलब जो है, मतलब प्रधान के कहने से कौन वोट देगा? हम देंगे विधानसभा में। प्रधान कहेगा आप किस फलाने पार्टी को, हम तो नहीं देंगे, हमारे जहाँ मन में आएगा वहाँ देंगे। तो ये गलत हुआ। इनकी सोच जो थी यही थी कि हम जो है 2022 का इलेक्शन चुनाव करा देंगे, हमारे प्रधान फिट हो जाएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हो करना नहीं चाहिए था। एक चीज़ बस हमको बताइए दादा कि ये जो संख्याएं हैं जो उसमें गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तो हम मतलब कई हेल्थ एक्सपर्ट ये मानते हैं जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं कि भारत को संक्रमण और कोरोना के चलते हुई मौतों की जो संख्या है वो बिल्कुल पारदर्शिता से जारी रखनी करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कोरोना आखिरी महामारी नहीं है वैश्विक, इसके बाद कई सारी बीमारियों का, ऐसी बीमारियों का खतरा है हमारे ऊपर। तो हम अपने, अगर हम ये जानेंगे ही नहीं कि किस स्केल पर फैला, कितने बड़े स्केल पर फैला, कितने लोग मरे, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरे, तो हम कैसे तैयारी अगली महामारी के लिए कर पाएंगे? किस हिसाब से हम बता पाएंगे कि जनसंख्या आज से 10 साल बाद जनसंख्या इस हिसाब से इतनी बढ़ेगी तो हमको इतने ICU बेड चाहिए, इतने वेंटिलेटर चाहिए, इतने अस्पताल चाहिए, तो इतने डॉक्टरों की नियुक्ति चाहिए, इस तरह का। तो जब तक आप स्थिति ही नहीं स्वीकार करेंगे तब तक कैसे होगा? तो इन आंकड़ेबाजी पर आपको क्या कहना है? आंकड़ेबाजी तो देखिए हम लोग तो काफ़ी देखते हैं, जैसे ये होता है कि राशिफल पेपर में निकलता है, एक सेट है, उस सेट के हिसाब से आज ही निकाल देना है 12 राशि का फल, कल ये निकाल देना, उसी तरह का आंकड़ा 7-8, जबकि हम लोग अपने आँख के सामने पूरे भाई इतने रिश्तेदार हैं, इतना बड़ा है सब कुछ हम लोग का नेटवर्क, तो मालूम हो जाता है 60-70 आदमी मरते थे बनारस ज़िले में, 7-8-10 ये दिखाया जाता था है मर रहा है कोविड से, दिखा दिया जा रहा हार्ट अटैक हो गया तो उनका किडनी फेल हो गया, और डॉक्टरों की कमी इतनी है कि सामान्य दिनों में हम बता रहे हैं BHU जैसे सरीखे जो एम्स का दर्जा प्राप्त हॉस्पिटल है, हम खुद इलाज कराने अपना जैसे कहीं गठिया का बीमारी हो गया जाते थे, एक डॉक्टर जो है बताइए सीनियर डॉक्टर जूनियर को, एक जूनियर डॉक्टर को ले करके उसको 80-70 पेशेंट मिले हैं, वो कितना समय देगा, क्या इलाज करेगा? वहाँ तो होना चाहिए कम से कम उस पर 80 डॉक्टर पर नहीं 10 हो तो 4 डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टरों की तो बहुत कमी है, और हेल्थ पर किसी सरकार ने, पूर्ववर्ती हो चाहे वर्तमान हो, इन लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया, बजट जो है बहुत कम रखते हैं लोग हैं, इसीलिए सारी सुविधाओं का अभाव। लेकिन अब से भी अगर ये चेत जाएं, आंकड़ा न छिपावें, आगे और महामारियां, इसी ट्रिपल ह्यूमेंट सुन रहे हैं कि इसका आने वाला है, डबल म्यूटेंट, कोई भी महामारी जो है, अरे वायरस जो है 20,000 साल तक जिंदा रहता है, 20,000 साल तक, मतलब जो है कोई वो, मतलब जो है हाँ, कोई भांग खा के बात नहीं कर रहा हूँ, हर वायरस की उम्र 20,000 साल तक होती है। तो ये वायरस इतना जल्दी नहीं मरने वाला है कि ये चला जाएगा विश्व से, ये फिर सिर उठाएगा किसी न किसी रूप में, आएगा फिर, आता रहेगा। अब उसमें व्यवस्थाएं जहाँ हेल्थ स्ट्रक्चर मजबूत होगा वहाँ पर लोग बच जाएंगे, और नहीं तो फिर मौतों का वही टांडव मचेगा जैसा अभी मचा हुआ है। हाँ, काफ़ी जानकारी आपके पास, पूरा स्थानीय आपसे बात करके बनारस की तस्वीर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है हमारे सामने। ये 80 घाट पर हैं हम, हाँ, 80 घाट पर मोदी जी जब आए 14 में, तो हम तो अपने बूथ के, मतलब जो है
हम गांव में हमारी ड्यूटी थी, मतलब जो है पार्टी की तरफ से लगा था। उस समय केजरीवाल लड़ रहे थे, केजरीवाल पैसा बांटे थे सारे समर्थक, मतलब हमको कोई एजेंट नहीं मिल रहा था। हमने अपने जेब से 400 रुपया दे करके एजेंट बनाया और उसके बाद केजरीवाल पैसा बांटे थे। हाँ, पैसा काफ़ी बांटे थे केजरीवाल। अरे केजरीवाल तो हमारे गांव में जो है आपका बता 300 रुपया एक वोट का। हाँ, बचा करते थे, रोज का 500 रुपया फिक्स था, उसके बाद खाना पीना समझ ही जाइए। केजरीवाल जी के साथ जो जो प्रचार कर रहे होते थे घूमते टहलते थे, आपका कहना है कि वो 500 रुपया वोटर पीछे 300 रुपया हमारे गांव में बांटे थे वोटर पीछे। हाँ, हम इतनी अच्छी व्यवस्था की, हमारे गाड़ी से गए लोग, लेकिन वोट जो है हमारे ही घर में वोट जो है जो नई पीढ़ी के थे पैसा पाए थे केजरी, हम पैसा नहीं दिए थे मोदी के तरफ से, वो जो है वोट दे के आए केजरीवाल के, लेकिन फिर भी हम लोगों का अंदाज था कि 2-2.5 लाख से जीतेंगे, लेकिन मोदी जी जीते थे 5 लाख से। तो काम तो बहुत किए मोदी जी, इस 80 घाट पर जो है 2014 के पहले जो है ये सब कच्चा था, मट्टी धुआ इतनी गंदगी, खुद फावड़ा चलाए मोदी जी यहाँ, खुद यहाँ का मेयर था उस समय रामगोपाल मोहले, वो जो है खड़ा था, विधायक जो है सरकार यहाँ तो भाजपा की रही नहीं तो, लेकिन विधायक थे बनारस में उस समय भी 3 विधायक थे भाजपा के, सब फरसा चला रहे थे, लेकिन रामगोपाल मोहले को इसी जगह मोदी जी ने डांटा कि मैं पीएम होते हुए देश का और ये लोग विधायक होते हुए फावड़ा जो है, ये बाबुल सुप्रियो जो है वो भी आते थे यहाँ झाड़ू लगाते थे, ये जो बंगाल के हैं स्टार है कुछ है ना, हाँ तो हाँ तो वो भी जो है झाड़ू यहाँ लगा चुके हैं 80 घाट पर, तो वो आप जो है मतलब जो है खड़े तमाश भी न होकर, लेकिन दोबारा जो है प्रबल दावेदारी थी वो रामगोपाल मोहले के लिए, उनको मेयर का टिकट इसी लिए नहीं मिला, तो काफ़ी विकास हुआ, काफ़ी मतलब जो है जो काम रुके हुए थे रामनगर का एक साइड पुल था वो सब चालू हुआ, बनारस में विकास तो काफ़ी हुआ, ये बात नहीं है मोदी जी, अगर मोदी जी सांसद हमारे न होते तो भाजपा के सांसद तो पहले मुरली मनोहर जोशी भी थे, लेकिन नहीं कर पाते थे, कहते थे भाई विपक्ष की सरकार, हम लोग उनसे घर जाते थे मिलने, यही महमूदगंज में रहते थे किराए के फ्लैट में, तो कहते थे भाई जोशी जी खरीद लिए थे, लेकिन फिर कोरोना जो है, कोरोना पर योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों के बारे में, योगी सरकार के बारे में बात हो गई, मोदी सरकार का भी, मोदी जी बेचारे जोर लगाए हुए हैं, लेकिन वो बेचारे दिल्ली से बैठे हुए उनको आदेश देते हैं, यहाँ के प्रशासन में कुछ ऐसे हैं, ऐसे माइंड के हैं, लापरवाहियाँ हुई मोदी सरकार से। हाँ नहीं, मोदी जी अपने तरफ से काफी कुंभ, हाँ कुंभ वगैरह तो हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, मास्क सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, इतनी बड़ी बड़ी देखिए सरकार जो आकलन नहीं लगा पाई कि कोरोना स्थिति इतनी विस्फोटक हो जाएगी और इतनी संख्या में लोग मरने लगेंगे, पिछली बार जैसे विदेशों में मौतें हो रही थी भारत में उस हिसाब से नहीं हुई थी, तो सरकार यही मान के निश्चिंत थी कि अपनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट बार बार चेतावनी, हेल्थ एक्सपर्ट की राय को अनसुना किया गया, इसमें कुछ चूक हो गई, आकलन में चूक हो गई, अगर यही आकलन हुई है सरकार से बहुत बड़ी ब्लंडर हुई है। क्योंकि नाम क्या? मेरा नाम सौरभ है, मैं लॉ कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कैंपस लॉ सेंटर से, तो हमारा क्या है कि मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने सिचुएशन देखा है, धन्यवाद आपका एक बार बस उनको धन्यवाद आपका दादा धन्यवाद, तो वहाँ पे क्या दिल्ली में सिचुएशन रही है, तो दिल्ली की सिचुएशन देख के मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमेशा चलते रहता है टेंशन, तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट उनको बहुत फटकार लगाई है, बट अभी भी वहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन का सप्लाई जो बोला गया था बढ़ाने के लिए अभी भी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो यूपी के बारे में अगर मैं बनारस के बारे में बात करूं, आप बनारस के रहने वाले? नहीं, मैं बनारस का रहने वाला नहीं हूं, बट मैं बनारस रेगुलरली आता जाता रहता हूं, तो यहां पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो MBBS कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज से, मैं तो आज आया हूं और मैं रेगुलरली बीच बीच में आते रहता हूं, और पापा को डॉक्टर को दिखाने होता है तो मैं यहां आता हूं, हालांकि मेरा घर बिहार में है, तो अभी मेरी ट्रेन है, तो अभी मैं सोचा कि थोड़ा टाइम पास के लिए इधर आ जाऊँ। ट्रेन से जा रहे हैं भाई, सावधानी से जाइए। दूसरी बात की ट्रेन से हमने ये देखा दिल्ली में कि वहाँ पे भी चेकिंग वगैरह नहीं हो रही थी, एटलीस्ट थर्मल स्कैनिंग भी नहीं हो रही थी, तो ऐसे ही लेके जाना, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो ही रहा है, ब्लंडर है बिल्कुल। आप अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क लगाइए, बहुत सावधानी से जाइएगा। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम मुरारी हुआ। मुरारी जी कहाँ क्या करते हैं? यहाँ स्टूडेंट है एमए फर्स्ट ईयर के बीएचयू में। बीएचयू में कैसा, बैठ जाएं क्या, थोड़ा बैठ के बात करते हैं, कैसी स्थिति है बनारस की? बनारस की स्थिति तो बहुत ख़राब है, इसलिए ये बात कह सकते हैं क्योंकि हम लोग एज ए स्टूडेंट होने के नाते हम लोग एक कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे जो हमारा कॉलेज का ग्रुप है, समूह है, तो उसमें मतलब डेली बहुत सारे कॉल्स बनारस से आते हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जैसे ये हो रहा है कि सबको, क्योंकि सिलेंडर तो कोई अपने पास रखता नहीं है, सिर्फ यहाँ रिफिलिंग हो रहा है, तो जहाँ से भी कॉल आ रहा है वो यही कह रहे हैं कि सिलेंडर भरवाना है, किसी को वेंटिलेटर चाहिए। अभी दो दिन पहले की बात है, एक कॉल हमारे पास आई थी, हॉस्पिटल का नाम अभी ध्यान में नहीं है, तो उस हॉस्पिटल में ये था उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, तो उन्हें वेंटिलेटर प्रोवाइड करा दिया गया, लेकिन उस वेंटिलेटर में शायद उन्हें चलाने के लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे उनके पास। वो लगातार कंप्लेन करते रहे हैं, वो अपने सीएमओ को कॉल किए, डीएम को कॉल किए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं लिया, यहाँ तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बोला गया, कोई रिस्पांस नहीं। कल रात को मेरी उनसे फिर दोबारे फॉलोअप के दौरान बातचीत किया तो पता चला वो अब नहीं रहे, तो स्थिति तो ऐसी हो गई है कि मतलब परसों की मैं बात बता रहा हूँ, एक लोग का को कॉल आया, ये बीएचयू हॉस्पिटल की बात है, जब मैंने उनसे बोला कि आप अपने डीएम को कॉल कीजिए, बेड अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो डीएम उन्हें जवाब ये देते हैं कि फ़ोन रखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को बेड दिलवा पाऊँ। ये ऑन रिकॉर्ड है जिस आदमी ने मुझे ये बात बताया, डीएम का नाम क्या है? कौशल मिश्र कुछ। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि फ़ोन रखो? हाँ, फ़ोन रखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और वो ये बात हमें बताएं कि ये ऐसी ऐसी बात है, वो बोल रहे हैं कि अपने कोविड हेल्पलाइन जो नंबर दिया आप उस पर बात करो, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और जब मैं यही बात फिर कल उनसे बात हुई तो वो भी अब नहीं रहे, वो भी चल बसे, उन्हें बेड नहीं मिला, वो चल बसे। और ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, कितनी कहानियां बताई जाए, हर जगह यही हो रहा है। ऊपर सरकार कहती है, योगी सरकार की, कि ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं, दवाओं की कोई कमी नहीं, अस्पताल में बेड की भी कमी नहीं है। क्या पता वो डेटा कहाँ से ला रहे हैं, वो ग्राउंड पे बात कर रहे हैं या फिर वो अपने लोगों से बस पूछ ले रहे हैं। बनारस की स्थिति देखना है तो आप हॉस्पिटल जाके देख सकते हैं। हम बीएचयू के अस्पताल गए थे जहाँ वो कोरोना वाला वो बना है, वहाँ पर एक सज्जन हमें बाहर मिले जो वहीं पर हेल्प डेस्क पर एक नंबर दिया हुआ है, वो उस की व्हाट्सअप करिए, उस पर अपनी रिपोर्ट पेशेंट की, और मतलब अगर इस गंभीर स्थिति है तो उसको दाखिला मिल जाएगा। तो उन्होंने नंबर जब मिलाया उस वाले पे, बहुत देर तक रिपोर्ट भेज दिया, सीन हो गया, किसी ने जवाब नहीं दिया। बहुत बार फ़ोन मिलाने के बाद उधर से उठाया तो उसने पहले कई सारे किस्म के लेवल के बहाने बनाए, पहला ये कहा नहीं नहीं ये तो कहाँ की व्हाट्स की, ये तो कॉल किसी ने डाइवर्ट कर दिया है, तो व्हाट्सएप पे कॉल डाइवर्ट हो गया ये उन्होंने कहा। फिर बोले कि नहीं ये तो मेरा प्राइवेट नंबर है, ठीक है नंबर आप सही बता रहे हैं पर ये मेरा प्राइवेट नंबर है। फिर उन जनाब ने किसी और जनाब का नंबर दिया जो बगल में खड़े थे और जिनकी माँ को उन्होंने, जिनकी माँ दाखिल थी अंदर, उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने मदद मांगने के लिए फ़ोन किया था, तो उन्हीं का नंबर इस नए जो अपने पिता को भर्ती करवाना चाहते थे उनको दे दिया। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा गड़बड़ झाला है वहाँ पे। तो ये हेल्पलाइन की तो हालत हर जगह ही हमको यहाँ पे पता चलता है। आप ये देख सकते हैं ना कि ट्विटर पे अगर कोई मामला हम लोग टैग कर रहे हैं यूपी पुलिस को, तो वो क्या जवाब आ रहा है, हेल्पलाइन नंबर वो दे रहे हैं, वो एकदम बेशर्मी से वो हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं, उनके नीचे लगातार लिखा जा रहा है। मैं अपने ट्विटर से 100 जगह ये लिख चुका हूँ कि ये काम नहीं कर रहा है, कुछ और प्रोवाइड कीजिए या तो और कुछ चेंज कीजिए, लेकिन वो बस बेशर्मी से वही हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। यहाँ के MLA हैं वो दे रहे हैं, कैंट के हैं वो दे रहे हैं कि आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए मैं आपकी मदद करूँगा, कोई मतलब नहीं, वो सीन करके छोड़ दे रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी की भी मदद नहीं कर रहे, हाँ कुछ लोगों की मदद हो रही है, क्या पता वो किस तरीके से देख रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल 50-60 है तो उनको भी वो मतलब वो तो प्रायोरिटी देनी चाहिए ना जिनका 50-60 हो चुका है, लेकिन वैसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं,
कि भाजपा के तरफ से कि आप इस पे कॉल कीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर सरकारी में आपको बेड नहीं मिलता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए पैसे हम लोग खुद प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन वो नंबर लग कहाँ रहे हैं, वो किससे बात करेंगे? जब हमारे पास डेली 100-150 कॉल्स आ जा रहे हैं तो हम कैसे ये कहें? और सारे लोग यही कह रहे हैं कि सर ये दिलवा दीजिए, सर ये दिलवा दीजिए। वो ऐसे होप के साथ हमें कॉल करते हैं जैसे हम उन्हें कुछ दिलवा देंगे। वो कुछ लोग ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सर आपका हम पैर पकड़ रहे हैं, प्लीज़ सर दिलवा दीजिए, माँ मर जाएगी, ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं। ऊपर से ब्लैक मार्केटिंग इतनी बढ़ गई है रेमडेसिविर, मतलब क्या पता क्यों डॉक्टर इतना लिख रहे हैं। WHO मतलब उसको कह रहे हैं कि वो नहीं है, लेकिन लिखा जा रहा है। डॉक्टर्स क्यों लिख रहे हैं? वो दवा मार्केट में मिल नहीं रहा है। अभी भी कॉल्स आ रहे हैं कि वो इंजेक्शन चाहिए हमें, और गवर्नमेंट तरफ से आया है कि वो सारे सिर्फ हॉस्पिटल्स मिलेंगे। जब हॉस्पिटल्स लिख के देंगे CMO को, ड्रग इंस्पेक्टर, जो प्रोसेस है। तो आप ये बताइए कि वो फिर भी वो लोग हमें कॉल कर रहे हैं कि वो इंजेक्शन चाहिए, तो हम बोल रहे हैं कि उन्हें कि आप अपने डॉक्टर्स को बोलिए। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, वो बहुत गंदे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, या फिर कुछ जगह रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि CMO हमें नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम CMO कह रहे हैं कि ये काम DM साहब देख रहे हैं ऑक्सीजन का, तो DM से बात हो रही है तो वो कह रहे हैं ये काम CMO देख रहे हैं। तो मतलब ये भी स्टेबिलिटी उनके अंदर भी नहीं है, वो भी मतलब इनके उनके ऊपर ट्रांसफ़र किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से वहाँ दौड़ाया जा रहा है। आप BHU के स्टूडेंट्स की जो आपने बताया कि आप लोगों ने हेल्प मतलब शुरू की है, ग्रुप टाइप बनाया है लोगों की मदद का, कितने स्टूडेंट्स हैं इसके भीतर? वही 18-19 मतलब फ़िलहाल इतने से स्टार्ट हुआ। तो अब बहुत लोग अलग अलग, जैसे अलग अलग स्टेट्स में हुआ कि बिहार, UP, MP। तो आप लोग सिर्फ UP में नहीं, बाकी जगह बाकी भी अलग अलग, बिहार है, UP है, MP है, राजस्थान है। तो इस तरीके से जैसे बिहार को अगर मैं हैंडल कर रहा हूँ तो मैं अपने अंडर भी सब ग्रुप टाइप बनाऊँगा, तभी आप मदद कर पाएंगे, अकेले तो नहीं हो पाएगा। तो अब उसके थ्रू बहुत लोग जुड़ गए हैं, तो नंबर्स बहुत ज़्यादा अब हो चुके हैं। लेकिन फिर भी वही है कि मतलब डेली जो नीड्स आ रही है वो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन तो हम तो प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे ऑक्सीजन ना, क्योंकि वो तो जब तक सप्लाई नहीं होगी। एक केस आया था अभी हाल फिलहाल में हमारे पास मिर्ज़ापुर का, उस मामले में जब हमने CMO को कॉल किया कि उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उन्हें वेंटिलेटर प्रोवाइड करा दीजिए, तो CMO बहुत अच्छे से बातचीत की है। लेकिन उस बातचीत में एक चीज़ पता चला, CMO ने कहा कि हमने गवर्नमेंट से 50 टन ऑक्सीजन की डिमांड की, उन्होंने बोला कि मैं 40 टन दूंगा, और वो मिर्ज़ापुर कितना पहुंचा? बस 20 टन, क्योंकि 20 टन लखनऊ में उतार लिया गया। तो CMO ये बात कह रहे हैं कि ये बताइए, तो हम आपको बता पा रहे हैं, हम तो ये बात बोल तक नहीं पाएंगे कहीं पर। अच्छा, कि मतलब छोटे शहरों की तो ये स्थिति है ना कि मिर्ज़ापुर में 20 टन, वो 50 टन की ज़रूरत थी, वो 20 टन उनके पास पहुंच रहा है, तो 30 टन तो है ही नहीं ना, जब है नहीं तो मिलेगा कहाँ से? कोरोना पर, कोरोना की तैयारी होने के बाद, कोरोना फैलने के बाद जो शासन जिस तरीके से सरकार उसको डील कर रही है, इन सब चीज़ों में योगी सरकार का कामकाज आपको कैसा लग रहा है? वो कुछ डील कहाँ कर रहे हैं, वो तो मतलब सीधा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बेड की कमी नहीं है या ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कमी नहीं तो लोग भटक क्यों रहे हैं, दर दर भटक क्यों रहे हैं? पहली बात उनकी ये स्टेटमेंट गलत है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोरोना की मौत नहीं हो रही है, यहाँ कम संख्याएं बता रहे हैं काफी नहीं। वो एक दिन जिस दिन ये स्टेटमेंट दिए थे आज से 7-8 दिन पहले कि कोरोना से UP में एक भी मौतें नहीं हुई है, उस दिन में इस बयान की फिलहाल अभी जानकारी नहीं है। हाँ, मुझे शायद याद नहीं होगा, मैंने पढ़ा अभी। तो ये स्टेटमेंट वो दे रहे हैं कि कोरोना से मौतें बहुत कम हो रही है, कोरोना ना के बराबर है। हाँ, ये तो बोला, कोरोना के ना के बराबर है, तो ये सब तो है ही नहीं ना। कोरोना तो बहुत ज़्यादा है, अगर ना के बराबर है तो इतने हॉस्पिटल्स में इतने लाइंस क्यों लगे हैं? आप ये देख सकते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल के बाहर जाएं, आपको बेड अगर चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, वो आप बहुत देर खड़े रहेंगे। अगर आप मतलब ये कितने अजीब लगता है कि कोई मरीज बाहर खड़ा होकर ये सोचता है कि शायद अंदर कोई मरेगा तो मुझे एडमिशन मिल पाए। अरे बहुत भीषण, मतलब ऐसी बातचीत हो रही है। अरे कि अगर कोई मरे, और अब एक चीज़ और है कि जिसका उम्र ज़्यादा है उसे हॉस्पिटल में नहीं लिया जा रहा है। अब ये सोचिए जिनका उम्र ज़्यादा है उन्हें कुछ हो जाए तो शायद वो मर जाए।
कि आपके सामने ऐसा कोई मामला है, क्योंकि ये हमें नहीं पता। नहीं नहीं, ये मामला मेरे सामने की बात है, जब कल ही का मामला है। एज उनकी 80 थी, तो हॉस्पिटल वालों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि इतने पे तो बहुत कम चांसेस है कि हम इन्हें ले पाएंगे। और मैं बहुत कोशिश किया, CMO DM को कॉल किया कल, लेकिन नहीं लगा, किसी का कॉल कोई पिक ही नहीं कर रहे थे। मतलब ऐसी स्थिति है कि आपको पेशेंट्स में प्रेफरेंस देखना पड़ रहा है। है एकदम है कि मतलब ज़्यादा उम्र है तो वो कह रहे हैं कि ठीक है पहले तो उनको बचाया जाए उम्र वाइज, ऐसा। ये कई जगह पर ऐसी दुविधा, जब बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लोडेड हो जाता है ना, जब जगह नहीं होती, तो विदेशों में भी हम पढ़ते थे पिछले साल तक की ऐसी स्थिति थी कि आपको पेशेंट्स के बीच में, गंभीर पेशेंट्स के बीच में चुनाव करना पड़ता था कि किसकी जान बचाई जाए, किसकी जान पहले बचाई जाए, किसकी जान बचाने के लिए रिसोर्स लगाया जाए। तो ये कई बार बहुत मतलब दिल पर पत्थर रखकर भी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहूँ कि ये सही है, पर ये मतलब चुनने वाली स्थिति दुनिया के कई हिस्सों में, चुनने वाली स्थिति तो शायद इस गवर्नमेंट के वजह से ही है। ऐसा तो नहीं है कि ये मौका हमें नहीं मिला था, हमें एक लंबा मौका था जिसमें हम अच्छे से व्यवस्था कर पाते। अभी जो हम लोग BHU के अंदर ये 1000 बेड का जो बन रहा है, शायद ये हम पहले भी कर सकते थे। ऐसा तो नहीं था कि पता नहीं था सेकेंड वेव नहीं आएगा। जब कोरोना, हमने तो ऐलान कर दिया था, हमारी लीडरशिप ने ऐलान कर दिया था कि हरा दिया है हमने। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। वो कहाँ, तो वो चुनाव कराने में व्यस्त हैं। वो तो मेन तो उनका चुनाव में था ना, कोरोना जैसे ख़त्म नहीं हुआ था फर्स्ट वेव, उसमें उन्होंने बिहार चुनाव में लग गए, बंगाल चुनाव में लग गए। उन्हें फिर अपना वो हिंदू वाला जो वो छवि बना के रखे हैं कि हम हिंदुओं के लड़ते हैं, हिंदू खतरे में, वो जो ये लाइन लेते हैं, वो जाके कुंभ मेला करवा रहे हैं। उन्हें पता है कि कुंभ में क्या हो रहा है, उतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम टेस्टिंग करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी हरिद्वार की स्थिति क्या है, डेली केसेस कितने आ रहे हैं। बंगाल का भी हम देख रहे हैं, बंगाल के बारे में अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों के बीच में कि चुनाव की वजह से बंगाल में कोरोना के स्प्रेड होने का फिलहाल कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और हम पिछले एक दो दिन से बंगाल से जुड़ी हुई जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। पता चल रहा है कि टेस्टिंग में काफ़ी बड़े स्तर पर, खैर तो ये भी है ना, टेस्टिंग भी तो होना चाहिए ना, टेस्टिंग की भी, बिल्कुल बिल्कुल। बनारस में जब अभी से 8-9 दिन पहले की बात है, टेस्टिंग सारे जगह रोकी गई थी, सारी जगह रोकी गई थी टेस्टिंग, क्योंकि जब टेस्टिंग के लिए कुछ लोग कॉल किए थे, मुझे टेस्ट कराना है, सिम्टम्स है, क्योंकि उसके बिना मरीज, प्राइवेट की बात बता रहे हैं, प्राइवेट सरकारी दोनों की मैं बात बता रहा हूँ कि टेस्टिंग विदाउट कोई तो भर्ती लेगा नहीं। BHU की एक लड़की थी मानसी, 4 दिन से उसकी टेस्टिंग हो रखी थी, उनका रिपोर्ट नहीं मिला था। उसके पापा बहुत ज़्यादा सीरियस थे, मतलब ये स्थिति थी कि वो शायद ना बचे। उनको 4 दिन बाद तक रिपोर्ट नहीं मिला। 5वें दिन हमारे ही साथ के एक दिवाकर भैया हैं, उन्होंने अपना पर्सनल इंटरफेरेंस दिखाया, ज़बरदस्ती की, मतलब एकदम ज़बरदस्ती वाले लेवल पे गए, तब जाके वो रिपोर्ट मिला, वो जाके भर्ती हुए। उसी दरमियान बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि जिनको जाँच कराना, क्योंकि डर रहे थे, लोग डर भी रहे हैं। तो मैं उस दिन सारे जगह पता किया, हर जगह बंद किया गया था कोरोना का टेस्टिंग। मैं लखनऊ में भी कई जगहों पर ये शिकायत मिली थी कि टेस्टिंग सेंटर्स या तो बंद कर दिए जाते हैं, मतलब जब तक हम वहाँ पर थे तब तक, अब अगर हालात सुधरे हो तो पता नहीं, लेकिन जब तक हम थे तब तक तो ये था कि कुछ एक ही गिनी चुनी जगह थी जहाँ पर लंबे घंटों तक टेस्टिंग चल रही थी, बाकी प्राइवेट बंद थे और सरकारी पर मतलब वो थी, कैप्स लगे हुए थे कि इतने समय से इतने समय तक। खैर वैसे RML जैसी जगह भी थी जहाँ पर 24 घंटा कह रहे थे कि देते हैं, 24 घंटा टेस्ट हो रहा था, ये दावा था। खैर ये था वाराणसी का 80 क्या, हाँ खैर ये था वाराणसी, एक सेकेंड मैं बोलने में पता नहीं क्यों लड़खड़ा जा रही हूँ, ये था वाराणसी का 80 घाट। और यहाँ से आपने दे जाना, हम बातचीत कर रहे थे स्थानीय लोगों से और समझ रहे थे कि बनारस की स्थिति क्या है। और भी जगहों पर जाते हैं, जो देखेगा आपको दिखाएंगे। शुक्रिया हमें देखने के लिए। मेरा नाम स्वाति और मेरे साथ अमितेश।